इधर का बैंक्विट हॉल है, सेल्फी सेक्शन है सर, इधर बैठ के सेल्फी ले सकते हैं। मुझे ना जी बफे का सिस्टम बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना जी, लिमिटेड जो प्राइस होता है ना उस पर अनलिमिटेड फूड खाने को मिलता है। तो आज हम खड़े हैं संगरूर में, यहाँ पर जी हमें खाओ पियो नेम पे जी बफे मिला है जी। यहाँ का जो फूड है ना जी पूरे संगरूर में वायरल हुआ हुआ है जी। बाकी जी इनका जो बफे है ना जी वो इंजॉय करते हैं, आपको प्राइस वगैरह लोकेशन वगैरह जी ऑनर से पता करके बताते हैं। तो चलो जी चलते हैं, इनका बफे इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जी जब आप एंट्री करते हो ना जी, एंट्री करते सर आपको ना जी ये देखो जी एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट मिलेगा, जहाँ पर आकर जी आप अपना जी अगर नॉर्थ इंडियन या चाइनीज़ कोई भी आइटम आप टेस्ट करना चाहते हो ना तो यहाँ पर आकर आप कर सकते हो। आप चेक करो जी पूरा लग्जरी जो रेस्टोरेंट है जी, लग्जरी रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पर टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपने कोई भी आइटम टेस्ट करनी है ना तो यहाँ पर आप आकर कर सकते हो। तो जो इनका बफे है, जो मेन चीज़ रहती है जो इनका बफे है वो है जी इनका नीचे बेसमेंट में इनका बफे है। बाकी आपको बफे दिखाते हैं जी इनका, ये जी यहाँ पर जो कि प्रॉपर पूरा जी लग्जरी है जी, लग्जरी बफे है, आप नीचे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ के जी ये कैप्टन है सर, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। सर आपका नेम क्या है, नेम बता दीजिए अपना। मेरा नेम प्रदीप है। प्रदीप, आप यहाँ के कैप्टन हो? हाँ जी सर, कैप्टन। सर आपके बफे में कौन कौन सी आइटम रहती है? बफे में कढ़ाई पनीर, कढ़ाई मिक्स वेज, हाँ जी, दाल मखनी जी, नूडल मंचूरियन स्नैक्स में हो गया, ओके, और राइस मिलेगा आपको, ठीक है, रायता, ओके, सलाद मिलेगा आपको, ठीक है, और तीन प्रकार के रोटी मिलेंगे जी, मिस्सी रोटी, बटर रोटी, बटर जी, नान जी, और अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खा सकते हैं, खाली वेस्ट नहीं करने सर, ओके, और इतना ही है। और पर हेड 150 रुपये थी, ओके, हाँ जी सर, ओके, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया अगर आप वेस्टेज करते हो तो आपको 100 रुपीज़ का फाइन पड़ेगा, इसीलिए हमने कोई भी आइटम है ना जो वेस्टेज नहीं करनी। तो सर हमारे लिए एक थाली लगा दीजिए, देखिए जी आप थाली में इसकी क्या क्या आइटम्स आती हैं यहाँ पर इनके बफे में। ये देखिए जी वही जो थाली जो हर बफे में रहती है जी, वही जो 5 खानों वाली का थाली होती है। एंड यहाँ पर जो आइटम आ गई सबसे पहले, ये आ गई जी वेज मंचूरियन, जो कि चाइनीज़ की आइटम है। एंड यहाँ पर दूसरी आइटम इनकी नूडल्स है। थोड़ा सा हम प्लेटिंग करते हैं साइड बाई साइड, ये देखिए जी वेज मंचूरियन आ गए, थोड़े से वेज मंचूरियन ले लेते हैं। एंड उसके बाद आ गए जी, आप चेक करिए जी वेज नूडल्स, वेज नूडल्स चेक करिए जी, प्रॉपर जो है जी वेजिटेबल्स वेज नूडल्स के अंदर डाली हुई हैं। एंड ये भी थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद जी इनकी जो नॉर्थ इंडियन के आइटम है जी वो आ गई है जी, ये आ गई दाल मखनी। आप चेक करिए दाल मखनी की थिकनेस, चेक करिए जी प्रॉपर जी थिकनेस है। एंड दाल मखनी को भी थोड़ा सा टेस्ट के लिए रख लेते हैं जी, ये आ गई दाल मखनी। ये देखिए जी इसके बाद आ गया जी मिक्स वेज, जिसको नवरत्न मिक्स वेज भी कह सकते हो, क्योंकि वेजिटेबल्स चेक करिए जी, वेजिटेबल्स इसके अंदर प्रॉपर हैं जी, पनीर वगैरह एंड बीन्स वगैरह प्रॉपर डाले हुए हैं इसके अंदर। ये भी थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है ना जी, हमारा मोटिव जस्ट टेस्ट के लिए होता है, हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमने वेस्टेज नहीं करनी कोई भी। तो ये आ गया जी इनका कढ़ाई पनीर, जो कि जिसका भी फोकस होता है ना, सबका फोकस जो बफे में होता है पनीर के ऊपर ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा पनीर रख लेते हैं हम। एंड यहाँ पर इनकी जो नेक्स्ट आइटम आ गई है, ये हॉटकेस में ये जी अपने वेज जो पुलाव हैं वो बने हैं, जिसके अंदर मटर पुलाव हैं जी, तो थोड़े से मटर पुलाव भी ले लेते हैं। एंड अगली आइटम जो आ गई है जी मिक्स रायता, रायता चेक करिए, रायता भी बहुत बढ़िया देखने को लग रहा है, रायता थोड़ा सा ले लेते हैं जी। हमारी थाली ओवरऑल तो हो गई है जी। यहाँ पर आ गया जी इनका जो सैलड पोर्शन है, सैलड पोर्शन में इन्होंने कोकुम्बर्स दिए हुए हैं एंड सिरका अनियन है एंड नॉर्मल अनियन है। थोड़े से हम जो हैं जी ले लेते हैं कोकुम्बर्स, ये कोकुम्बर साइड पर रख लेते हैं। तो ये सिरका अनियन है, अगर आप पसंद करते हो आप सिरका अनियन ले सकते हो, वैसे मैं लाइक नहीं करता सिरका अनियन तो मैं नहीं लूँगा। तो यहाँ पर एक चम्मच ले लेते हैं, एक फोक ले लेते हैं जो नूडल्स के लिए है। तो देखिए हमारी जो बफे की थाली है जी प्रॉपर रेडी हो गई है, जिसके अंदर हमने सभी इनकी जो मेन आइटम है वो सारी ही ले ली हैं। तो जो इनका ब्रेड का पोर्शन है ना जी, ब्रेड का पोर्शन आपको टेबल पे ही सर्व किया जाता है। तो सर ब्रेड में आपके पास क्या क्या आइटम्स रहती हैं? ब्रेड में सर मिस्सी रोटी है, मिस्सी बटर रोटी है और बटर नान है। मिस्सी रोटी, बटर नान और बटर रोटी इनके पास जो रहती हैं जी,
एंड वो सर्विंग कैसे होगी? वो सर्विंग आपको टेबल में ही मिलेगा, टेबल गरम गरम मिलेगा, तंदूर से लग के आएगा सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जी जब आप सीटिंग पे बैठ जाओगे ना, अपने चेयर टेबल्स पे बैठ जाओगे, तो आपको जो रोटी का ब्रेड का पोर्शन है जी वो टाइम टू टाइम सर्व किया जाएगा। तो सर आप रोटी में क्या क्या मिलेगा जी हमें बता दीजिए। सर इसमें बटर रोटी है, बटर रोटी ठीक है, नान है सर, बटर नान है ये? हाँ जी बटर नान है, छोटे वाले ठीक है। तो हमें एक बटर रोटी रख दीजिए, बटर नान रख दीजिए, एंड ये येलो वाली मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी एक मिस्सी रोटी रख दीजिए। तो आप चेक करिए जी जो रोटी का पोर्शन है, ब्रेड का पोर्शन है जी, वो टाइम टू टाइम आपको टेबल पे सर्व किया जाएगा। और ये मिस्सी रोटी आ गई जी, मिस्सी रोटी। तो ये चेक करिए जी, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया होती है जी बफे में। तो जी अभी हम सबसे पहले ना जी आपको जो इनके बड़े चपाती के साथ जो दाल मखनी का है ना जी, दाल मखनी का टेस्ट करके बताएंगे दाल मखनी इनकी कैसी है। दाल मखनी का टेस्ट नहीं बहुत ही बढ़िया है, एक दाल ही होती है जो लाइक रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बता देती है कि रेस्टोरेंट की रेपुटेशन कितनी है, क्योंकि दाल के बिना ना कोई भी रेस्टोरेंट अधूरा है जी। एंड दूसरी आइटम जो इनकी है जी मिक्स वेज, मिस्सी रोटी के साथ लेते हैं जी मिक्स वेज। एंड मिक्स वेज भी आप चेक करिए, मिक्स वेज में ऐसा नहीं है कि बफे के अंदर है तो प्रॉपर वेजिटेबल्स वगैरह नहीं सर्व की जाएंगी, वेजिटेबल्स के अंदर प्रॉपर इन्होंने जी बीन्स हैं, फलियाँ हैं, मटर हैं जी, एंड पनीर वगैरह प्रॉपर डाला हुआ है। बाकी टेस्ट करते हैं, सब्जियां वगैरह भी ना जी ऐसा नहीं है कि ठंडी पड़ी हैं, सब्जियां भी गर्म पड़ी हैं जी प्रॉपर, जैसे ठंडी नहीं है जी। चपाती तो चलो गर्म मिलेगी आपको, टेबल पे ही सर्व की जाएगी, जो अपनी सब्जी है ना वो भी जी गर्म है। एंड ये अपनी आगे जी आगे बटर नान, और बटर नान भी चेक करिए, बटर नान भी प्रॉपर सॉफ्ट हैं जी, सॉफ्ट पड़े हैं, नहीं तो हार्ड मिलते हैं कई बफेस में। एंड यहाँ पर इसको जी हम पनीर के साथ टेस्ट करेंगे, पनीर में इन्होंने जी कढ़ाई पनीर रखा हुआ है जी। ये जो आइटम्स यहाँ पर रहती है जी वो टाइम टू टाइम डे टू डे चेंज होते रहती हैं। पनीर भी ना जी, पनीर भी सॉफ्टनेस है ना, जो पनीर की सॉफ्टनेस भी बहुत बढ़िया है। पनीर भी इन्होंने जो बड़े बड़े क्यूब्स में काट कर ना जी सब्जी में डाला हुआ है। मैं ना आपको सभी को रिकमेंड करूँगा, ये संगरूर में खाओ पियो के नाम पर बफे है, यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि यहाँ का जो बफे है ना, जो जैसे मैंने नाम सुना था पूरे शहर में यहाँ के, कि इनका जो बफे है ना पूरे शहर में बहुत ही बढ़िया है। बाकी अभी इस पूरे बफे को हम जो फिनिश करते हैं सर, हमने ना आपका बफे ट्राई किया, बफे ना आपका बहुत बढ़िया लगा हमें, थैंक यू सर। सर बफे का प्राइस बता दीजिए, बफे का प्राइस, बफे का प्राइस पर पर्सन 150 है, पर पर्सन 150। हाँ जी ठीक है। तो आपके यहाँ की लोकेशन क्या, लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन SCO01 PWD मार्केट, हाँ जी, बैक साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस जी। ओके, तो जो इनकी जी लोकेशन है गूगल मैप की लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड सर यहाँ की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 12:30 से 4:30 बजे तक, 4:30 बजे हाँ जी, और शाम को 6:30 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है जी। अगर आपने इनका जो बफे है ना जी पहले कभी ट्राई किया है, ठीक है, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बता देना, अगर नहीं किया तो यहाँ पर जरूर आइए जी, यहाँ का बफे है ना जी बहुत बढ़िया है जी। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।